थोड़ा सा पास में अपन है सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स सोपास की ओर से है। इसमें हमने दो प्रमुख चीजों का उल्लेख किया है। पहला तो ये कि 18-19 के बाद में सन 2020-21 और 21-22 का जो आरटी का भुगतान है वो प्रशासन की ओर से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। कोरोना काल में बहुत ज्यादा जो है आर्थिक स्थिति स्कूलों की खराब है, इस कारण से जो है पहली हमारी प्रमुख मांग है। और 21-22 का भी लगभग 70% भुगतान जो है हमको प्राप्त होना चाहिए। दूसरी जो बातें हैं उसमें माध्यमिक स्तर पर अभी 1 से 8 तक की मान्यता का जो आवेदन चल रहा है उसमें 10 तारीख कल की लाल दी है, लेकिन पोर्टल की गड़बड़ी कारण जो है कई स्कूल ऐसे हैं जो अभी आवेदन से वंचित है, तो इस कारण से थोड़ा सा उसमें समय आगे बढ़ाया जाए ताकि ये जो मान्यता के आवेदन है पोर्टल पर सही तरीके से स्कूल अपनी जो है आवेदन को दर्ज कर सके। ये दो बातें सोपास की ओर से यहाँ पर जो है बीआरसीसी महोदय को, हमने आयुक्त लोक शिक्षा राज शिक्षा केंद्र को जो है यहाँ पर हम ज्ञापन दे रहे हैं। वही स्कूल के संचालकगण आज बीआरसीसी कार्यालय में एक ज्ञापन देने के यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारी कुछ मांगे हैं। उन मांगों की पूर्ति के लिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग को जो हमने ज्ञापन सौंपा है। क्या क्या मांगे किया गया सर? उसमें प्रमुख रूप से हमने आरटी के अंतर्गत जो निःशुल्क बच्चे शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत रहते हैं तो उनकी किसी भी सत्र में प्रशासन जो है समय पर उसका भुगतान नहीं कर पाता है। तो हमारी प्रमुख मांगों में ये है कि कोरोना काल में स्कूलों की आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय है, आप सब लोग इस चीज़ को जानते हैं, सर्वविदित हैं। तो हमारी प्रमुख मांगे हैं कि 2021 और 21-22 सब 2 सालों का जो पेमेंट बकाया है वो पूरे मध्य प्रदेश में ही है। तो ब्लॉक स्तर पर हमारे सारे स्कूलों की ओर से भी ये मांग की जा रही है कि पालकों से हमें जो है भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा फीस का, इसलिए जो है प्रशासन हमें आर्थिक मदद ही हम मान लेंगे उसको यदि हमारा पैसा समय पर भुगतान के रूप में करते हैं। जिस प्रकार प्रशासन आपकी मांगे पूरी नहीं करता तो आप अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही है कि पूरे मध्य प्रदेश में सभी जगह प्रशासन से यही मांग की जा रही है। ब्लॉक और जिले स्तर पर जो संगठन है, सोपास के मध्य प्रदेश लेवल पर संगठन है, वो भी यही चाह रहे हैं। सब जगह आदरणीय जो है हमारे अध्यक्ष महोदय हैं सोपास के, उन्होंने शिक्षा मंत्री और राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त महोदय इनसे भी चर्चा की इस विषय में, तो अभी उसका कोई निराकरण नहीं हो पाया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।